पैसे वैसे चाहिए नहीं, आम की पेटी चाहिए। और अरे भैया क्या है, सीरियल जीजा जी छत पर है मैं आज। पंचम और इलायची को आम खरीदना पड़ गया है महंगा। जी हाँ, आम खरीदने के चक्कर में पंचम और इलायची एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कौन सी आम की बेटी? मतलब आपने जो दी थी वो हम ले गए थे, हमने कोई आपको बोला था पैसे ले लीजिए, आपने नहीं ले, हम क्या कर सकते हैं? पैसे नहीं बेटा, वो आम की पेटी चाहिए बस। अरे ये सब तो है बड़ा ही कंफ्यूजिंग। चलिए चलते हैं पंचम के पास और जानते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दरअसल क्या है कि हम लोग घर पे थे और मैं एक पेटी आम लेके आया था सेठ जी के लिए, तो सेठ जी को हमने आम की पेटी दी और सारी उन्होंने आम खा लिए। इतने में करुणा जी आती है और वो कहती है कि मुझे अपने भाई को भी देना है, छटंकी को भी मैं आम देना चाहती हूँ। तो हम छटंकी मामा के लिए आम लेने जाते हैं, वो आम की दोबारा सेम पेटी देवगढ़ वाले आम लेने जाते हैं। और इतने में हमें पता चलता है कि जो वहाँ पर आम वाला है वो हमारा इंतज़ार ही कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि आपको जो मैंने पहले पेटी दी थी उसमें एक हीरा था, और वो हमको धमकी देने लग गया कि अगर आप वो हीरा नहीं वापस लेके आए तो आपकी हम जान खतरे में पड़ सकती है। ओहो, ये तो हो गया टोटल सियापा। बेचारे पंचम और इलायची तो हीरो की स्मगलिंग के बीच में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अरे क्या आम की, अबे तू एक तो मेरी आम की पेटी उठा ले गया धोखे से और मुझे पूछ रहा क्या क्या। अरे एक मिनट, कॉलेज छोड़ो। हाँ ये क्या है, आप हमें बोल रहे हैं आम की पेटी के लिए? आप ही ने तो हमें कहा था कि आम की पेटी ले जाएं और पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? अरे यार आप आम की पेटी के लिए आप हमारे साथ हिंसा क्यों कर रहे हैं यार, ऐसे हिंसक इंसान बन रहे हैं आप। अरे यार कैसे नहीं मानेगा, हटो साइड, क्या है क्या अंकल, प्रॉब्लम क्या है? हमने बोला था आम की पेटी ले जाएंगे हम फ्री में, आपने फ्री में दिया ना, तो क्यों परेशान कर रहे हो मेरे जीजा जी को? हाँ सही बात है, एक तो आफत ऐसी, ऊपर से स्मगलर ने भी दे दी है पंचम और इलायची को धमकी। क्यों भाई, पैसे वैसे चाहिए नहीं, आम की पेटी चाहिए। और अरे भैया क्या है, पैसे तो तुम्हारे पुरखे भी देंगे, अगर कल शाम तक हमें वो पेटी नहीं मिली तो हम तुम दोनों को उड़ा देंगे जिंदा, क्योंकि उस आम की पेटी में एक आम में हीरा भरा हुआ है, वो भी बेइज्जती होती। हीरा? पर हीरा आम में क्या कर रहा है यार? सॉरी अजीब आदमी है। अच्छा, हीरा कौन रखता है आम में? हम रखते हैं, अब स्मगलिंग करना हमें तुमसे सीखना पड़ेगा। अब हीरो के स्मगलिंग के मामले में तो पंचम और इलायची फंसी गए हैं, लेकिन इस मुसीबत से दोनों कैसे बाहर निकलेंगे, सुनिए जरा। यहाँ पे अब ये होगा कि अभी हम फिलहाल तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, तो हम लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल गए ये बोल के कि हाँ आपको वो हीरा हम वापस ला के देंगे किसी भी तरह। तो अब बस घर जाएंगे और किसी तरह से वो आम की पेटी को ढूंढेंगे, आम देखेंगे कि भाई किसी तरह से उस आम को हम ढूंढें और वो हीरा उसको वापस ला के दें ताकि वो हमारी जान छोड़े। हमें आप दोनों पर पूरा भरोसा है कि आप दोनों इस मुसीबत से बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन हीरा ढूंढने के लिए दोनों को कितनी मेहनत करनी होगी ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।